समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर झंडा लगाओ सरकार बनाओ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। सपाइयों की टोली लगातार अलग अलग विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में बूथ स्तर पर घर घर भ्रमण कर पार्टी के झंडे लगा रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ की मलिहाबाद विधानसभा में भी समाजवादी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पूर्व विधायक इंदल कुमार रावत के नेतृत्व में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता दिन रात लगातार पूरी मेहनत के साथ जगह जगह पार्टी के झंडे लगा रहे हैं। इसके साथ ही वो लोगों को सपा की नीतियों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के आदेशों का कार्यकर्ता पूरी लगन और निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं। समाजवादियों ने शायद ये तय कर लिया है कि 2022 विधानसभा में हर हाल में सपा की सरकार लानी है और अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना है। देखो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्लान है निश्चित तौर पे कामयाब होगा। किसको कैसे समझाना है, किसको क्या करना है, वो उनके विवेक पर निर्भर है। वो आपको देखना कि चुनाव आते आते सब चीज़ें अपने आप शांति हो जाएंगी और जितने लोग हैं सब समाजवादी पार्टी के झंडा उठाएंगे और इस बार किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि सब लोग समाजवादी पार्टी जो साइकिल लेके आएगा उसको सब लोग जिताएंगे। इस बार व्यक्ति नहीं चलेगा, इस बार अखिलेश यादव का चेहरा चलेगा और साइकिल निशान हमारा चुनाव चिन्ह होगा और निश्चित तौर पर समाजवादियों पार्टियों की सरकार बनेगी।